अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100.37 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। सुभाष कपूर निर्देशित फिल्म 10 फरवरी को रिलीज हुई थी। ये फिल्म साल 2013 में आई फिल्म जॉली एलएलबी का सीक्वल है। फिल्म की सफलता के कारण निर्माताओं ने अगले सीक्वल जॉली एलएलबी 3 बनाने की पुष्टि कर दी है। जॉली एलएलबी 2 की सक्सेस पार्टी में निर्माताओं ने कहा, क्रियायिक व्यवस्था पर आधारित फिल्म की अगली कड़ी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। अक्षय की सफलता को देखकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में तीनों खानों के बाद अक्षय का ही राज चलने वाला है। बता दें कि अक्षय ने एक बार करण की टीवी टॉक शो कॉफी विद करण में कहा था, ज्ञातव्य हो कि फिल्म जॉली एलएलबी की पहली कड़ी में अभिनेता अर्शद वारसी मुख्य भूमिका में थे, दूसरी कड़ी में अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की दूसरी कड़ी के लिए अक्षय को चुने जाने पर अर्शद ने कहा था कि निर्माता फिल्म के लिए बड़ा स्टार चाहते थे। अक्षय फिल्म की सफलता से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि अगली कड़ी में मैं रहूंगा या नहीं, लेकिन मैं इसे लेकर खुश हूँ। फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर ने कहा, मुख्य भूमिका में अक्षय ने फिल्म को एक ऊंचाई दी है। बॉलीवुड के दम्भ खान की 2017 में मात्र दो ही फिल्में आ रही है, जिसमें कबीर खान द्वारा निर्देशित ट्यूबलाइट और अली अब्बास जाफर की टाइगर जिंदा है, जो इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। ये फिल्में बड़े बजट की है, लेकिन कमाई के मामले में अक्षय कुमार सलमान से आगे होंगे। वहीं अक्षय की बात करें तो 2017 में कई फिल्में आ रही हैं, जिसमें से एक फिल्म रिलीज हो चुकी है। अक्षय की अगली फिल्म नाम शर्वाना, जो 31 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म में तापसी पन्नू और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा वो अपनी और आने वाली फिल्मों की तैयारी में है, जिसमें नाम शर्वाना, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, रोबोट कतार में लगी हुई है। 2018 में भी अक्षय की कई फिल्में आ सकती हैं, जिसमें ट्रैक, पैडमैन, हेरा फेरी 3 जैसी फिल्मों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इन फिल्मों पर काम की कोई तेजी की अब तक खबरें नहीं आई है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सीईओ विजय सिंह ने कहा, मुझे लगता है यह बेहद आसान सवाल है, हम जॉली एलएलबी 3 जरूर बनाएंगे। फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सीईओ विजय सिंह ने एक बयान में कहा, हम जॉली एलएलबी 2 को दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया से बेहद रोमांचित हैं। फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और एक दिल है मुश्किल के बाद इस फिल्म के साथ ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर हैट्रिक लगाई है। अक्षय ने कहा, सौरभ शुक्ला, अन्नू कपूर, सयानी गुप्ता भी मुख्य रूप से फिल्म के स्तंभ हैं। आप फिल्म देखें, आप उनके किरदार को भूल नहीं पाएंगे। जॉली एलएलबी फिल्म ने डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का संदेश दिया है। इसकी अगली कड़ी में अभिनेत्री हुमा कुरैशी और अभिनेता संजय मिश्रा भी हैं। ये आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाती है। कपूर ने कहा, मैं हमेशा अपने काम को वास्तविक जिंदगी के मुद्दों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। फिल्म में अक्षय एक वकील की भूमिका में हैं, जिनका नाम जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली है। वह कानपुर का रहने वाला है और लखनऊ में प्रैक्टिस करता है।